अगेन। और आज आपको मालूम है हमारा जो थंबनेल है वो थंबनेल उन लोगों के लिए है जो लिथुएनिया कंट्री में इंटरेस्टेड है। काफी लोगों ने जो है वर्क परमिट ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, उनको समझ नहीं आ रहा है डबल लीगलाइजेशन ज्यादा जरूरी है या फिर माइग्रेशन नंबर ज्यादा जरूरी है, और उनको पहला स्टेप भी नहीं मालूम है क्योंकि हम लोगों को कॉल आती है जगह जगह से। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लिथुएनिया में इंटरेस्टेड है या फिर लिथुएनिया का अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर उन्होंने अप्लाई कर चुका है, डबल लीगलाइजेशन नहीं आ रही है, ठीक है। प्लस सेम टाइम में थंबनेल में आपको बताया कि भाई जो है मैं आपको सऊदी अरेबिया का एक अपॉइंटमेंट दिखाऊंगा कल का, ठीक है, क्योंकि कल था आपका फ्राइडे। तो फ्राइडे में क्या होता है गाइस, एक आपको ईमेल आता है रियाद से सऊदी अरेबिया से, आप देख सकते हो, ठीक है, ये पोलैंड की अपॉइंटमेंट का ईमेल नोटिफिकेशन आता है डायरेक्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो जिसको ये अपॉइंटमेंट आया है, नेक्स्ट जो ड्रॉ है वो 26 तारीख को है, जिसको ये अपॉइंटमेंट का मेल आया है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया है एक बार अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लो। स्पैम फोल्डर में भी अगर नहीं आया है तो भाई ये चीज जरूर नोटिस कर लेना कि जो है आप लोगों का उसमें ईमेल जो है आपका डला है या अपने कंसल्टेंट ने आपने ईमेल डाला है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए, काफी लोग जो है अपॉइंटमेंट का वेट तो कर रहे हैं लेकिन उनकी ईमेल आईडी गई नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पोलैंड की फाइलिंग कराओ, कहीं से भी हमसे करवाओ, कहीं से भी करवाओ, या आपका जो कंसल्टेंट उसको करे, अपना ईमेल आईडी डालना ना भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं लिथुएनिया की। भाई साहब लिथुएनिया में ना मैंने कई लोगों को देखा है, उनको प्रोसेस नहीं मालूम है, उन्होंने कहीं भी पैसा दे दिया अपना, उसके बाद उनको दो महीने बाद फोन आता है कि भाई जो हमको पीसीसी चाहिए, फिर वो बोलते हैं मैडम पीसीसी क्या होता है, क्योंकि कई लोगों ने कंसल्टेंट को पूछते हैं कि पीसीसी कैसे अपोस्टाइल होती है, तो कंसल्टेंट और जो उनके एजेंट है वहां से रिप्लाई ये आता है कि भाई ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको पहला स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप लिथुएनिया का होता है कि आपका पीसीसी डबल लीगलाइजेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जब आपका पीसीसी डबल लीगलाइजेशन हो गया उसके बाद ही जो है सारे स्टेप्स आप फॉलो करो, उसके बाद चाहे आपका मेडिटेशन नंबर हो, चाहे आपका माइग्रेस नंबर हो, उसके बाद चाहे आपकी टीआरपी की अपॉइंटमेंट हो या फिर आपका सबमिशन हो, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है आपकी पीसीसी का डबल लीगलाइजेशन, वो जरूर करवा लेना। अगर आपके पास पीसीसी डबल लीगलाइजेशन नहीं है या आप नहीं करवा पा रहे हो, जैसे कि आपने देखा है लिथुएनिया ने क्या किया है, अभी जो नया रूल आया 1 मार्च 2023 से, इन्होंने जो है अपने जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जिनको VFS बोलते हैं, वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज, जहां से आप अपॉइंटमेंट लोगे या सबमिशन करवाओगे, उनको उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है। अब इंडिया में जो लिथुएनिया का VFS था वो वहां पे नहीं है, श्रीलंका के लिए नहीं है, जॉर्डन के लिए नहीं है, लेबनान के लिए नहीं है, उन्होंने वे शिफ्ट कर दिए हैं दूसरी कंट्रीज में, और थोड़ा सा उन्होंने जो है अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है एक्सटर्नल सोर्सेस में, एक्सटर्नल सोर्सेस यानी VFS के थ्रू। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि जो उनका एक कोरियर सर्विस थी कि भाई आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को कोरियर करवा के लिथुएनिया में भेज सकते थे डायरेक्ट, और वो वहां से अपोस्टल होके आ रही थी, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें अब टफ हो गई है, क्योंकि जनवरी 2024 में 18 तारीख को यानी 18 जैन को उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब हम कोरियर सर्विसेज नहीं लेंगे। तो उसके क्या अल्टरनेट है कि अगर आपका भाई कोई लिथुएनिया में बैठा हुआ है तो आप वहां उसको डॉक्यूमेंट भेजो, वो लिथुएनिया में अपॉइंटमेंट लेगा, तब आपकी पीसीसी को अपोस्टल करवाएगा, या फिर जहां जिस कंट्री में आप बैठे हो वहां अगर जो है लिथुएनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है या एम्बेसी है तो वहां से भी आप जो है इसको अपोस्टल करवा सकते हो। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे भी जो है सारी की सारी अपॉइंटमेंट बंद कर दी गई है। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली लिथुएनिया गवर्नमेंट आपको क्या इंडिकेशन दे रही है कि भाई अभी थोड़ा टफ है। देखो हर कंट्री डायरेक्ट मना नहीं कर सकती है, किसी को भी दुनिया में अलाउड नहीं कि वो डायरेक्ट मना कर दे आपको कि भाई हमारी कंट्री में मत आओ, ठीक है। उन्होंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि अपॉइंटमेंट बंद है, रूल थोड़े टफ हो गए, तो इस समय जो है बेस्ट चांस नहीं है, यू हैव टू आपको थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा, या फिर जो है फ्यूचर में आप बाद में कभी ट्राई करना। और ये सारी चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको सारी चीज इसलिए बता रहा हूं गाइस कि हमारे पास भी जो है टीआरपी है लिथुएनिया की। अब ये जो टीआरपी लिथुएनिया की कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा जो है क्योंकि इसमें नंबर होते हैं, मैं आपको थोड़ा जो है छुपा के दिखाऊंगा। दिस इज द टीआरपी ऑफ लिथुएनिया,
और अगर आप ये देखोगे ये टीआरपी निकली है, देखो 25/12 ये टीआरपी जो है 2023 में जो टीआरपी निकली थी वहां के रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लग गया था, ठीक है। कई बार वीएफएस जो है 3 से 4 महीने ले रही है, ईमेल के थ्रू लिंक भेजती है, कभी वो बोलती है कि आपके अपॉइंटमेंट्स है, कभी बोलती है कि आपकी जो है इंटरव्यू होंगे, कभी वो आपके बोलते हैं कि कोई मैरिज सर्टिफिकेट आपका रह गया, तो ये सारी चीजें चलते चलते जो है टाइम ले लिया है, लेकिन टीआरपी जो है इश्यू हो गया। तो जब टीआरपी इश्यू हो गया है तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अभी राइट नाउ ये जो 24 चल रहा है मिड में, कोई भी अभी जो है लिथुएनिया का अगर आप ट्राई करोगे, सो दिस इज अ वेरी बैड टाइम, ठीक है, जो लिथुएनिया की सोच रहे हैं इस समय। फ्यूचर में आप ट्राई कर सकते हो, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा जो आपका हंगरी है, हंगरी में भी जो है काफी अपॉइंटमेंट्स क्लोज थी काफी टाइम से, लेकिन वो ओपन हो गया है। माल्टा का काम भी अब ओपन हो गया है, ठीक है। पोलैंड का अपॉइंटमेंट आनी शुरू हो गई है, तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन जो बेस्ट टाइम है ये लिथुएनिया का वो 2023 में था, अब जो है वो टाइम इतना अच्छा नहीं रहा है। सो बेटर अगर आप लिथुएनिया ट्राई कर रहे हो तो सेम टाइम में आप कोई दूसरी शेंगेन कंट्री भी जरूर अप्लाई कर लेना, ताकि जो है फ्यूचर में आप लोगों को जो है एक ऑप्शन मिल जाए कि भाई ये नहीं तो ये, अदरवाइज आप एक ही कंट्री के ऊपर बैठे रहोगे तो कभी उसके रूल चेंज होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी जो है उनमें ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी रूल रेगुलेशन चेंज हो जाती है। अब जैसे डबल लीगलाइजेशन में सारे के सारे फंस गए, वीएफएस शिफ्ट हो गए अदर कंट्रीज में, तो यहाँ पे भी गाइस प्रॉब्लम आता है। तो शेंगेन के अंदर मैंने आपको दो एडवाइस है। पहली चीज, अगर आप शेंगेन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज सोचना कि भाई वहां पे लॉस भी रहेगा, चाहे काम हो या ना हो, पहला चीज लॉस रहेगा। दूसरी चीज ये है कि वहां पे ना आप कभी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड मत रहना, कम से कम दो कंट्री चूज करना, एक कंट्री वो चूज करना कि अगर कहीं पे जो वीएफएस है, दूसरी कंट्री आप एम्बेसी वाले चूज कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं कुवैत का एग्जांपल देता हूँ, ये सऊदी अरब में, वहां पे जो है आपका किसी कंट्री का वीएफएस है तो आप एम्बेसी वहां पे पोलैंड की, तो एक एम्बेसी चूज कर लो और एक जो है वीएफएस का चूज कर लो, दोनों में से कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट जरूर आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई लाइव सेशन में, आज का सेशन मैं छोटा ही बनाऊंगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ मीटिंग्स टुडे सैटरडे, ठीक है। इमरान खान से सबमिट स्लिप के बाद पासपोर्ट नंबर चेंज करने को मिलेगा पोलैंड का। देखो भाई पोलैंड में जब आपके पास सबमिशन स्लिप आती है ना, आपके पास टाइम होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, सो प्लीज जो है उसको चेक कर लो सबमिशन स्लिप इतना, क्योंकि सबमिशन स्लिप जब आपकी आती है आप एक दिन में ही अगर उनको बोलोगे तो वो चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप टाइम ले लोगे 10 दिन 2 हफ्ते फिर बहुत टफ है भाई, ठीक है। बिल्कुल, हाय सर कैसे हो, विजाओ सब बढ़िया बढ़िया। गाइज आज का सेशन छोटा बनेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ 10 से 12 मिनट जितनी भी होगा, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स है, तो टाइम निकाल के लिथुएनिया वालों के लिए मैंने जो है सेशन बना दिया। इरफान ट्रेलर, सुधीर भाई जान, हाय इरफान कैसे हो, फ्रॉम कुवैत। हाय सर, एक क्वेश्चन है, इनका नाम रेडिक फॉन्ट्स बोल रहे हैं। हाय, हेलो सर, मेरा वर्क परमिट का सॉफ्ट कॉपी मिला है, उसमें वैलिडिटी अगस्त 2024 से शुरू होगा, अभी अप्रैल चल रहा है, तो इसके बारे में एम्बेसी में सबमिट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपका पोलैंड का वर्क परमिट आया और उसकी वैलिडिटी जुलाई में भी है तो आप सबमिट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। पारस चौधरी, सर मेरा वर्क परमिट आ चुका है लेकिन मलेशिया में स्टिकर वीजा नहीं है, क्या करूं? इसके लिए आप एक मेल करो, ठीक है, कुआलालंपुर में मेल करो जो एम्बेसी है पोलैंड की, उनको जो है सारी की सारी चीजें जो है आप लिख लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। विजय सर, लिथुएनिया का लिए आर्टिकल 35 क्या है? अभी देखो आर्टिकल्स में जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा, जो आपको मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी, जिसको फॉलो करो, डबल लीगलाइजेशन कर लो, इंडिया और नेपाल के जितने भी बंदे हैं मैं उनको जो है एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है जो आपका वर्क परमिट आया है, ठीक है, उसको जो है दो तरीके से लीगलाइज करवा लेना गाइस। जैसे लेट से एग्जाम्पल आपका जो पीसीसी है, एक फॉरेन मिनिस्ट्री से वो करा देना अपना पोस्टल, एक इंडिया या नेपाल एम्बेसी से, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन एम्बेसी, नेपाल हो तो नेपाल एम्बेसी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी 24 मार्च को मिला सर, हार्ड कॉपी मिला नहीं, कोई बात नहीं, हार्ड कॉपी आने में जो है ज्यादा टाइम नहीं होता है गाइज, ठीक है। लाइव सेशन की क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, सॉफ्ट कॉपी से आप सबमिशन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, यही था छोटा सेशन। लिथुएनिया वालों को मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज अ वेरी बैड टाइम, हार्ड टाइम, 2024 में जो है 23 में जो है काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जो है आज जो है काफी इश्यू आ रहे हैं 2024 में, सो दैट टाइम स्टॉप आप दूसरी कंट्री की तरफ भी देख सकते हो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है नरेश का, नमस्कार सुधीर भाई, मैं कुवैत से हूँ, पोलैंड के लिए अप्लाई किया हूँ, ठीक है, 5 मंथ हो गए सर, अभी तक वर्क परमिट नहीं आया। तो यार ये आप अपने एजेंट को एक बार फोन करो, उनको बोलो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 मंथ्स होता है,
अगर ज्यादा टाइम हो गया आपको सो देन यू हैव टू कंसर्न योर पॉइंट विद योर एजेंट, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लुथवीने वालों को फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले होता है डबल लीगलाइजेशन, वो जरूर करवा लेना, अगर वो नहीं है देन जो है प्लीज जो है आप अप्लाई मत करना। चलो एक कॉफी आर्ट को बोलो सर मैं पोर्टुगल वर्क वीजा ट्राई कर सकता हूँ, यानी एक एजेंसी है ट्राई करने दो। पोर्टुगल्स में कौन सा वर्क वीजा, आप जो है पोर्टुगल्स का आपको मालूम है अपॉइंटमेंट कितनी टफ है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप अपॉइंटमेंट अवेलेबल है इजिली आप जा सकते हो, नहीं तो भाई बहुत टफ सिचुएशन आ जाएगा। पोर्टुगल्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो है 8-8 महीने 1-1 साल से नहीं मिल रही है, 2-2 बार लोगों ने अपने वर्क परमिट रिन्यू कर दिए पोर्टुगल्स के, ठीक है। तो गाइस कल मिलेगा लाइव सेशन में, मैंने आपको फिर बताया। देखो आज अगर आप टाइम देखोगे तो जो है इट्स 12:15, ठीक है। मैं कल दोबारा आऊंगा, शेयर करो सब्सक्राइब करो, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।